एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो इंडिया की पार्टिसिपेशन रेट क्या है, ये हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंडिया किस रेट से पार्टिसिपेट करता है, चाहे फिर वो कोई सा भी सेक्टर हो। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंडिया की रेट ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइज ऑफ वर्क फोर्स की हम बात कर चुके हैं कि कौन सा सेक्टर कितना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, मतलब एज अ वर्क फोर्स कितना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है इकोनॉमी की ग्रोथ में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया, कि भाई पार्टिसिपेशन की क्या रेट है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, रूरल एरियाज का क्या रेट है, अर्बन एरियाज का क्या रेट है, फीमेल वर्कफोर्स का क्या रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है, मेल वर्कफोर्स का क्या रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है इंडिया में, तो आज हम इसकी बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इट रेफर्स टू द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड इट इज मेजर्ड एज अ रेशियो ऑफ वर्कफोर्स टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एज नोटेड अर्लियर। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि प्रोडक्शन एक्टिविटी में कौन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। और इसको मेजर कैसे करते हैं, वर्कफोर्स यानी कि कितने लोग काम कर रहे हैं अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। हियर आर सम स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स रिलेटिंग टू रूरल अर्बन रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन द इकोनॉमी। यहाँ पे रूरल और अर्बन पार्टिसिपेशन बताया गया है, मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेशन रेट भी यहाँ पे बताया गया है। तो जो पहला पॉइंट है वो है रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर द अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में रेट ऑफ पार्टिसिपेशन कितना है, इज अबाउट 33.9%। ओके, और यहाँ पे ईयर कौन सा दिया है, 2017 to 18। ओके, सो अर्बन एरियाज का कितना है, 33.9। वहीं अपन रूरल एरियाज की बात करें तो 35% है, और अर्बन एरियाज में रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज अबाउट 53% ऑफ होम ऑफ मैन एंड 14.2% ऑफ विमेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखने को मिला है 33.9% इज अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज का कितना है 35%, वही मेन का कितना है 53% और विमेन्स का कितना है 14.2%। और ये जो मेल और फीमेल है ये अर्बन एरियाज वाली है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अर्बन एरिया में कितना है पार्टिसिपेशन रेट, अर्बन एरिया में है 33.9, रूरल एरिया में है 35%। ओके, और यहाँ पे अर्बन एरिया मेल पार्टिसिपेशन कितना है 53% एंड अर्बन एरिया फीमेल पार्टिसिपेशन कितना है 14.2%। ओके, और यहाँ पे हम कौन सा ईयर कंसिडर कर रहे हैं, 2017 to 18। ऑलराइट, आप देख सकते हैं कि हर सेक्टर में हर एरिया में जो पार्टिसिपेशन रेट है वो कुछ इस तरीके से है। आगे देखते हैं, और रूरल एरियाज में मेल और फीमेल का पार्टिसिपेशन कितना है, द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज अबाउट 51.7% फॉर मेन एंड 17.5% ऑफ विमेन। ठीक है, जहाँ पे 14.2 था अर्बन एरियाज में और 53 था अर्बन एरियाज में, वहीं पे 51 तो है रूरल एरियाज में और 17.5 है रूरल एरियाज में ऑफ विमेन। ठीक है, तो ये हमने कुछ डेटाज देखे हैं रिलेटेड टू रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सो ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द कंट्री इज अबाउट 34.7%। द फैक्ट ऑफर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। पहला है हाई डिपेंडेंसी रेशियो। तो जो ओवरऑल यहाँ पे पार्टिसिपेशन रेट बताई है वो कितनी बताई है, 34.7 बताई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो चीज ऑब्जर्व करी वो क्या है वो समझते हैं। हाई डिपेंडेंसी रेशियो, हाई डिपेंडेंसी रेशियो का क्या मतलब है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी में जितनी हमारी पॉपुलेशन है उससे बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं काम करने में। ठीक है, और ऐसा क्यों है देखते हैं। सो ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द कंट्री इज नॉट वेरी हाई, इम्प्लाइंग
नॉट मैनी पीपल आर एंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, मतलब पार्टिसिपेशन रेट इतनी हाई नहीं है. ऐसा क्यों है कि ज्यादातर लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी में इतना एंगेज नहीं होते हैं. इट पॉइंट्स टू हाई डिपेंडेंसी रेशियो इन द इकोनॉमी. और इसका क्या मतलब है कि जो डिपेंडेंसी रेशियो है इकोनॉमी में वो बहुत ज्यादा है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरियाज. अब यहाँ पे ये है कि रूरल एरिया से अपन ने जो डेटा देखे उससे हम ये चीज देख सकते हैं कि भाई रूरल एरियाज का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा नहीं है. अब ऐसा क्यों है देखते हैं. सो द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज हायर इन रूरल एरियाज कंपेयर्ड विद अर्बन एरियाज, इम्प्लाइंग दैट लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन रूरल एरियाज. इसका मतलब क्या है कि भाई रूरल एरियाज में ज्यादा अमाउंट ऑफ पीपल आर इंडल्ज इन व्हाट, इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज. ओके, बट गिवन द फैक्ट दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रूरल इकोनॉमी टू द जीडीपी इज लोअर देन दैट ऑफ अर्बन इकोनॉमी. लेकिन ये फैक्ट भी सही है कि भाई जो रूरल एरियाज का जो कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में वो बहुत कम है कंपैरेटिवली टू अर्बन एरियाज. राइट, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन रूरल एरियाज ओनली पॉइंट्स टू लोअर प्रोडक्टिविटी. और ऐसा क्यों है, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही लो है कंपैरेटिवली टू अर्बन पीपल. लोअर लेवल ऑफ इनकम एंड ग्रेटर पुअर्टी इन द रूरल एरियाज. अब क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत लो है तो उनकी इनकम भी कहीं ना कहीं बहुत लो है, और क्योंकि इनकम बहुत लो है तो गरीबी वहां पे जो पॉवर्टी है वो क्या करती है, वो वहां पे लाए करती है. इसलिए रूरल एरियाज का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो उनका प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव पोर्शन जो है उनका, वो बहुत ही लो है. ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट देखते हैं. हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर विमेन इन रूरल एरियाज. अब रूरल एरियाज में जो पार्टिसिपेशन रेट है विमेन्स का वो बहुत ज्यादा है. और ऐसा क्यों है, क्योंकि सबसे मेन रीजन आपको ये देखने को मिलेगा रूरल एरियाज में कि वहां पे हर घर में एक की कमाई से पूरा घर नहीं चल सकता. राइट, सो वहां की जो लेडीज हैं रूरल एरियाज की, जो फीमेल वर्कफोर्स है उनको भी काम करना पड़ता है, और जो उनका काम है उसके बदले में जो उन्हें वेजेस या सैलरीज जो देते हैं वो बहुत ही कम देते हैं. ओके, क्योंकि उनके पास में और कोई ऑप्शंस नहीं है तो उसको भी वो बहुत ही हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते हैं. और सिर्फ इतना ही नहीं, काफी बार तो ऐसा भी होता है कि कई फीमेल्स को बदले में, मतलब उनके काम के बदले में उन्हें अनाज दिया जाता है एज अ रिवॉर्ड. ठीक है, लेकिन वो उसको भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली की इनकम में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं. ओके, तो वर्कफोर्स तो रूरल एरियाज का बहुत ज्यादा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल्स हो, बट सिर्फ रीजन ये है कि वहां की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा लो है. ओके, सो हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज. रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इज हायर इन रूरल एरियाज कंपेयर्ड विद अर्बन एरियाज. इसके क्या क्या ऑब्जर्वेशन हैं वो देखते हैं. इन रूरल एरियाज पॉवर्टी कंपेल वुमेन टू अवॉइड एजुकेशन एंड सीक एम्प्लॉयमेंट. अब रूरल एरियाज में सबसे मेन चीज ये है कि गरीबी बहुत ज्यादा है, और क्योंकि गरीबी है तो वहां पे एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग. अब क्योंकि एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते और घर चलाने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा इनकम चाहिए, तो वो क्या करते हैं, छोटी उम्र में एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, यानी कि रोजगार के तलाश में निकल जाती हैं, है ना. दस एम्प्लॉयमेंट इवन विदाउट एजुकेशन इज अ प्रायोरिटी. और वहां पे एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है कंपेरेटिवली टू एजुकेशन. व्हेन एम्प्लॉयमेंट एंड नॉट एजुकेशन इज प्रायोरिटी, वुमेन टेंड टू सीक एम्प्लॉयमेंट एट अर्ली एजेस. अब जब वहां पे एम्प्लॉयमेंट को प्रायोरिटी दी जाती है एजुकेशन को नहीं, तो वहां पे क्या करती हैं, वहां की जो फीमेल वर्कफोर्स हैं वो छोटी उम्र में काम करना स्टार्ट कर देती हैं. दिस ऑल्सो रेजेस रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द रूरल एरियाज. ये भी एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो रूरल एरियाज का पार्टिसिपेशन रेट है वो ज्यादा है. ओके, एंड अर्ली एज दिस ऑल्सो रेजेस रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द रूरल एरियाज. ओके, आगे देखते हैं. प्रेफरेंस फॉर इवन लेस प्रोडक्टिव जॉब. अब
उनको, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट से मतलब है। अब अगर वो चाहे लेस प्रोडक्टिव जॉब ही क्यों ना हो, वो फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। सेट्स इन हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन वुमेन इन रूरल एरियाज मोशन द विशियस सर्कल ऑफ लो प्रोडक्टिविटी लो वेज रेट एंड हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन रूरल एरियाज। और इसकी वजह से ये जो विशियस सर्कल बनता है कि भाई लो प्रोडक्टिविटी लो वेज रेट एंड हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन रूरल एरियाज, ये क्या बनता है, एक ऐसा विशियस सर्कल बनता है जिससे बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इट वर्क्स लाइक दिस, एंट्री इनटू जॉब विदाउट एजुकेशन, सबसे पहले क्या होता है कि वो काम की तलाश में निकल जाती हैं, कहाँ की, रूरल एरियाज की विमेन, ठीक है, उनकी एजुकेशन इतनी पूरी नहीं है लेकिन क्योंकि गरीबी है तो उनके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर क्या होता है, लेस प्रोडक्टिविटी जॉब, अब क्योंकि उनके पास में उनकी कोई डिग्री नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, तो उनको लेस प्रोडक्टिव जॉब करना पड़ता है, जिसके वजह से क्या होता है, लो वेज रेट, उनको उनकी जो वेजेस हैं वो बहुत ही कम होती हैं। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन टू मेक अ सब सस्टेनेबल लिविंग, ठीक है, उनकी वेज रेट तो बहुत कम होती है लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है कि पार्टिसिपेशन रेट जो है रूरल एरिया की वो बहुत ज्यादा है। Alright, so I hope ये आपको समझ में आया होगा। In urban areas, on the other hand, अगर हम urban areas की बात करें, high priority for education implies low priority for jobs at early ages। अगर हम urban areas की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि education को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है comparatively to employment, right? इसलिए उनकी जो productivity होती है education के बाद में, जो उनकी job करने की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। ओके, दिस कीप्स द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन रिलेटिवली लो, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पार्टिसिपेशन रेट है अर्बन एरियाज का वो क्या होता है, लो होता है, क्योंकि उनको अर्ली एज में काम करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको क्या करना है, उनको एजुकेशन प्राप्त करनी है पूरी, और उसके बाद में उस एजुकेशन के बेसिस पे वो क्या करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग जॉब ढूंढते हैं। ओके, सो आई होप आज के इस वीडियो में जिसमें हमने रेट ऑफ पार्टिसिपेशन की बात करी, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच।